गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ तरुणपाल गांधी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है मिस्टर कौशिक चौधरी द्वारा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ये मैं पहले उससे पहले अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये इनिशिएटिव लिया गया है कौशिक चक्रवर्ती। ये नॉलेज लाइब्रेरी इनिशिएटिव है इनका और ये डेली एक नॉलेज पैक बनाते हैं और आज का ये नॉलेज पैक है 14/9/2021 का। और अगर आपको इनसे कॉन्टैक्ट करना है तो इनकी ईमेल आईडी यहाँ पर हर एक सेट के साथ जो भी ये पैक बनाते हैं उसके साथ अवेलेबल होती है। बैक इश्यूज़ के लिए भी आप जा करके इनकी एक वेबसाइट है वहाँ पर क्लिक करके जो बैक इश्यूज़ हैं उनको भी देख सकते हो कि अब तक कितने इश्यूज़ ये निकाल चुके हैं इस पर्टिकुलर नॉलेज पैक के। और ये बहुत ही शानदार इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, हमारे एक साथी मित्र लाइब्रेरियन है ये जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। और इस इनिशिएटिव में आज मैं बताऊंगा कि क्या क्या ये कवर करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, हमारे यूज़र्स के लिए क्या क्या वो जान सकते हैं इस इनिशिएटिव से। तो सबसे पहले नाम की बात करें तो इन्होंने नाम दिया है इसे नॉलेज लाइब्रेरी इनिशिएटिव। और बड़ा ही बेहतरीन इनिशिएटिव है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ये डेली बेसिस पे कवर करते हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं। इसकी इन्होंने टैगलाइन दी है, नॉलेज ग्रोज व्हेन शेयर्ड कीप शेयरिंग। तो ये सच है, जितना हम अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं उतनी हमारी नॉलेज बढ़ती है। और यही कंसेप्ट है इनकी इस नॉलेज लाइब्रेरी इनिशिएटिव का, कि ये हर रोज़ डेली अपनी नॉलेज शेयर करते हैं बाकी लोगों के साथ, जिसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं। आपको बैक इश्यूज़ देखने हैं तो इनकी फेसबुक पेज का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिएगा और इस लिंक को कॉपी करने के बाद आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को डाल दूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इस लिंक पर जाकर के इनके इनिशिएटिव को देखने में। तो यहाँ पर जब भी ये नॉलेज पैक बनाते हैं तो ऊपर डेट डालते हैं, डेट के बाद जो हाईलाइट्स होती हैं इस पर्टिकुलर पैक की, जो ये नॉलेज पैक क्रिएट करते हैं डेली बेसिस पे, वो हाईलाइट डालते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर नॉलेज पैक की हाईलाइट है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस। तो ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं टुडे की, आज की, तो ये इन्होंने यहाँ पर डाली हुई हैं। उसके बाद ये डालते हैं थॉट ऑफ द डे। इस थॉट ऑफ द डे में बड़े ही अच्छे और बेहतरीन ये विचार जो थॉट होते हैं वो शेयर करते हैं और काफ़ी यूज़फुल ये थॉट होते हैं, काफ़ी मोटिवेशनल ये थॉट्स होते हैं। जैसे कि आज का थॉट है, इट इज़ नॉट दैट सक्सेसफुल पीपल आर गिवर्स, इट इज़ दैट गिवर्स आर सक्सेसफुल पीपल। तो इतना शानदार इन्होंने यहाँ पर थॉट दिया है। उसके बाद ये उस दिन की, जिस दिन का ये नॉलेज पैक बना रहे हैं, पूरी हिस्ट्री देते हैं कि इस दिन पे क्या क्या हुआ या क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि आज सभी को पता है कि आज 14 सितंबर है, तो आज के दिन हिंदी दिवस हमारे देश के अंदर मनाया जाता है। जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं इंडिया की, वो मिलकर के ये हिंदी दिवस मनाती हैं 14 सितंबर हर साल। उसके बाद ये हिस्ट्री देते हैं उस डे की, और इसमें 1949 में इन्होंने हिस्ट्री दी हुई है हिंदी लैंग्वेज की। हिंदी लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड सेलिब्रेटेड एज हिंदी डे, बट साउथ इंडियन स्टेट्स डोंट कंसिडर द हिंदी लैंग्वेज एज नेशनल लैंग्वेज। तो साउथ इंडियन स्टेट्स है जो द्रविड़ियन परिवार, भाषा परिवार है, आप लोगों को पता है चार भाषाएं द्रविड़ियन परिवार की हैं हमारे देश में, और बाकी जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो आर्यन परिवार की भाषाएं हैं। तो जो द्रविड़ियन भाषाएं हैं, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़, ये चार भाषाएं छोड़ करके सभी भाषा आर्यन परिवार की हैं और सभी संस्कृत से पैदा हुई हैं, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। यहाँ पर जो ये चार भाषाएं हैं, ये भाषा परिवार जो हैं या इन भाषाओं को बोलने वाले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार नहीं करते, लेकिन बाकी संपूर्ण देश जो हमारा है, जो बाकी भाषाएं बोलता है, जो आर्यन परिवार की भाषाएं हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में मानते हैं। उसके बाद ये बर्थ एनिवर्सरीज़ बताते हैं कि जो फेमस लोग हुए हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरीज़ आज के दिन रही है और कब कब वो पैदा हुए हैं, उनका क्या क्या योगदान रहा है, ये यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि इन्होंने फाउंडर ऑफ रिवोल्ट मोटर्स राहुल शर्मा, उनके बारे में बताया है कि 1975 के साल में 14 सितंबर को आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये डेथ एनिवर्सरीज़ बताते हैं, जो फेमस लोग होते हैं उनकी डेथ एनिवर्सरीज़, कि आज के दिन किसका निधन हुआ। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए दो डेथ एनिवर्सरीज़ भी बताई हुई हैं। उसके बाद में बिल्ड ए बेटर वोकेबुलरी, तो ये आपकी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको नए नए वर्ड सिखाने के लिए अपने हर एक इशू के अंदर कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ नए वर्ड से ये मिलवाएं, आपका तारुफ नए वर्ड से ये करवाएं। तो डेली वोकेबुलरी यहाँ पर होती है। ये देखिए जैसे कि कायोटिक वर्ड का जो मीनिंग होता है इसका, ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है, इसका मीनिंग होता है अराजक। फिर इसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं, एंटोनिम्स दिए हुए हैं, फिर एग्जांपल भी दिया हुआ है एक सेंटेंस में इस पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ करके। तो ये इस तरीके से करते हैं, वर्ड लिखते हैं और किस तरीके से वो यूज़ होता है, वर्ब फॉर्म में यूज़ होता है, नाउन में यूज़ होता है या फिर एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है, वो बताते हैं। उसके बाद में उसका हिंदी में मीनिंग लिखते हैं और उसके बाद में उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फिर विद एन एग्जांपल ये हर एक वर्ड को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये करंट अफेयर्स का पोर्शन,
डेली बेसिस पे आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो ये कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर आप तक पहुँचाएँ, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ, और ये करंट अफेयर्स का इनका पोर्शन है जिसकी मदद से ये आप तक चीज़ें पहुँचाते हैं। जैसे कि अगर आप देखें पॉइंट नंबर 6 में, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूव द प्रोक्योरमेंट ऑफ 56C295MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम मेजर्स एयरबस डिफेंस एंड स्पेस साउथ अफ्रीका स्पेन फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो ये देखें यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी है 56C295MW ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, और ये एयरक्राफ्ट हम खरीदने वाले हैं ये एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एजेंसी से। तो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, और ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए यूज़फुल है ये इसमें लेकर के आते हैं। और उसके बाद में एक आर्टिकल होता है नॉलेज अपडेट के लिए, जैसे कि हाइलाइट्स में इन्होंने बताया था कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो यहाँ पर इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा कोशिश की है कि आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी जाए छोटे फॉर्म में आर्टिकल के रूप में। उसमें ये बताएंगे आपको कि सारी की सारी चीज़ें जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस इन्होंने यहाँ पे दी हैं आज, ड्यूरेंट बाउंड्री लाइन। आपको पता होगा कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन है उसको ड्यूरेंट बॉर्डर लाइन बोलते हैं, और ये उसके बारे में फिर फैक्ट्स बता रहे हैं ड्यूरेंट बॉर्डर लाइन के, बाउंड्री लाइन के, कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या इसके पीछे का इतिहास है, वो सारा यहाँ पर ये बताते हैं। कितनी लंबी ये लाइन है, कितना बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान शेयर करते हैं, उनके बीच की जो लाइन है, जो बॉर्डर लाइन है, उसको ड्यूरेंट बाउंड्री लाइन बोलते हैं। तो ऐसे ही ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं डेली बेसिस में। यहाँ पर फिर इन्होंने हिंडनबर्ग बाउंड्री लाइन शेयर की हुई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर माउंट ब्रेहन आपको दिखाई देगा। तो ये इन्होंने इसके बारे में बताया है, फिर मैकमोहन बाउंड्री लाइन के बारे में बताया है। आप सभी को पता है कि मैकमोहन बाउंड्री लाइन जो है वो किन दो देशों के बीच में है, इंडिया और चाइना, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद मेजिनॉट बाउंड्री लाइन इसके बारे में बताया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप के थ्रू इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं मेजिनॉट बाउंड्री लाइन। ये जो बॉर्डर लाइन है फ्रांस और जर्मनी के बीच, ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद आज इन्होंने इसी से रिलेटेड ये पर्टिकुलर नॉलेज पैक बनाया है, और इन्होंने अलग अलग जो लाइंस हैं, बॉर्डर लाइंस हैं, उनको ही मेंशन किया है यहाँ पर। बॉर्डर नेसिस लाइन, रेड क्लिफ लाइन, उसके बाद 38th पैरलर, उसके बाद 49th पैरलर। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है अलग अलग पैरलर लाइन के बारे में, और इनका डेली का टॉपिक अलग होता है। अगर मैं आपको कोई दूसरा यहाँ पर नॉलेज पैक दिखाऊं, दूसरे आप कह सकते हैं कि डे का खोल करके, तो आपको वहाँ पर अलग नॉलेज पैक दिखाई देगा, अलग इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। तो डेली बेसिस पे ये आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस नॉलेज पैक। उसके बाद फैक्ट चेक ये करते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप इनकी ये जो ईमेल आईडी है यहाँ पर जाकर के इनके साथ डिस्कशन कर सकते हो, और ये सारे का सारा डेटा जो है ये कंपाइल करते हैं, कलेक्ट करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं मिस्टर कौशिक चक्रवर्ती, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो आप कौशिक चक्रवर्ती को इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं, मैं तहे दिल से कौशिक चक्रवर्ती जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इनकी इस नॉलेज पैक को शेयर करता हूं मैं डेली अपने स्कूल के बच्चों के साथ में, और वो बच्चे इस नॉलेज पैक को देखते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। वैसे ही आपको भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी अगर आप ये नॉलेज लाइब्रेरी इनिशिएटिव जो है इसको देखेंगे। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और इस तरीके के इनिशिएटिव हम भी कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में आपके लिए लेकर के आएँ। फिलहाल के लिए आप लोग इस नॉलेज इनिशिएटिव को जितना ज़्यादा हो सके आगे बढ़ाएं, ताकि ये फेमस हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और अच्छे काम की प्रशंसा हमेशा हमें करनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया नॉलेज लाइब्रेरी इनिशिएटिव के बारे में। इसी तरीके से अलग इन्फॉर्मेशन आपके लिए अगली बार हम लेकर के आएंगे अपनी अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियोज़ जो आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन देगी, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करते रहेंगे थ्रू आर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच यूज़र्स, थैंक यू सो मच माई लिसनर्स, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।